नमस्कार दोस्तों, फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूनिटी ट्यूटोरियल सीरीज़। इस वीडियो में हम आपको बिल्ड सेटिंग्स और बिल्ड विंडो के बारे में बताएंगे। पिछली वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था कि वेरियस विंडोज़ कौन कौन सी हैं, विंडोज़ के बारे में बताया था, तो इसमें मैं आपको बताऊँगा कि बिल्ड विंडो क्या होती है और बिल्ड सेटिंग्स क्या होती हैं। फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे फाइल में जाके बिल्ड सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे या फिर कंट्रोल शिफ्ट प्लस भी दबाएंगे तो आपके सामने एक बिल्ड सेटिंग्स खुल जाता है। बिल्ड सेटिंग्स ये बताती हैं कि आप अपना यूनिटी के क्रॉस प्लेटफॉर्म गेम इंजन है जिसके थ्रू आप क्रॉस प्लेटफॉर्म गेम्स बना सकते हैं, यानी कि एक बार बनाइए और हर जगह चलाइए। ये इसका कंसेप्ट है यूनिटी का, एक बार बनाओ हर जगह पेलो, ये इसका कंसेप्ट है। अब आप देखिए, अगर यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट पीसी मैक एंड लाइनक्स स्टैंड अलोन के लिए है सिलेक्ट हो रखा है, यानी कि मैं अभी किन इन किन किन प्लेटफॉर्म्स को टारगेट कर रहा हूँ, पीसी यानी कि विंडोज़ के लिए, मैक के लिए यानी कि एप्पल वालों का, लाइनक्स यानी कि लाइनक्स वालों का, तो यानी कि मैं इन तीनों प्लेटफॉर्म्स को टारगेट कर रहा हूँ। तो अभी मेरा क्या है टारगेट प्लेटफॉर्म, विंडोज़। ये सारे क्या विंडोज़ प्लेटफॉर्म होते हैं। आर्किटेक्चर यहाँ क्या मैंने बता रखा है, x86/_64 का मतलब है ये, यानी कि अगर आपका सिस्टम अगर 32 होगा तो उस पर भी इंस्टॉल हो जाएगी और 64 हो जाएगा। खाली x86 कर देता तो मैं खाली 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे ही इंस्टॉल होती। 32 बिट और 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं, एक शॉर्ट में बताओ तो 32 बिट यानी कि जो उसका जो आर्किटेक्चर है, यानी कि वो कितने बिट्स का वर्ड को हैंडल कर सकता है, वर्ड यानी कि एट अ टाइम उसकी जो बस और जो मेमोरी है वो कितने नंबर ऑफ़ बिट्स को एक साइमल्टेनियसली प्रोसेस कर सकती है, यानी कि इसका मतलब है उसको 32 बिट्स यानी कि 4 बाइट्स, 64 बिट यानी कि 8 बाइट, 8 बाइट का कोई भी वर्ड यानी कि 8 बाइट की कोई भी इंफॉर्मेशन वो एट अ टाइम उसका प्रोसेसर कैलकुलेट कर सकता है, इसका मतलब होता है। अब आगे देखते हैं कॉपी PDB फाइल्स, ये अगर आप उसके लिए यूज़ कर रहे हैं, विजुअल स्टूडियो यूज़ कर रहे हैं तो उसमें, या विंडोज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं तो ये आपको उस चीज़ के लिए ज़रूरत होती है। प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन बिल्ड फाइल्स, डेवलपमेंट बिल्ड यानी कि अगर आपको बिल्ड निकालने के बाद इसको किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के थ्रू एडिट करना है आपको, यानी कि अगर आप PC में विजुअल स्टूडियो के थ्रू और एडिट करना चाहते हैं या विंडोज़ के लिए बना रहे हैं .NET को यूज़ करके या उन सब चीज़ों को और यूज़ करके आप एडिट करना चाहते हैं तो उसके लिए है। डेवलपमेंट बिल्ड ऑन करने पे आपके सारे ऑटो कनेक्ट, प्रोफाइलर, स्क्रिप्टिंग, डिबगिंग और स्क्रिप्ट्स ओनली बिल्ड के ऑप्शंस ऑन हो जाते हैं। इनका मतलब क्या होता है, ऑटो कनेक्ट प्रोफाइलर यानी कि आपका एक प्रोफाइलर जो आपको ये बताता है कि आपकी स्टेट्स देता है, कितनी मेमोरी, कितना गारबेज कलेक्शन, कितना GPU यूसेज हो रहा है, कितना CPU यूसेज हो रहा है, कितने फंक्शंस कॉल हो रहे हैं, क्या है, कैसे पूरे गेम का पूरी प्रोफाइलिंग करके दे देता है। प्रोफाइलिंग यानी कि पूरा कट्टा कत्ता चिट्ठा खोल के दे देता है आपको कि आपका गेम कैसे चल रहा है, फ्रेम रेट क्या है, क्या है, कौन सा प्रोसेस कौन सी कितनी मेमोरी ले रहा है, कौन सा फंक्शन कितना बार कॉल हो रहा है, ये सब बता देता है। स्क्रिप्ट डिबगिंग यानी कि आप जब स्क्रिप्ट्स के अंदर लिखते हैं debug.log या debug.log एरर, उन सब की डिबगिंग के लिए, यानी कि आपने कोई कोड लिखा है उसकी डिबगिंग करनी है, उसमें एरर्स ढूंढने हैं उसके लिए होते हैं। कंप्रेशन मेथड आपको ही बताता है जब आप LAMPL Z4 यूज़ कर रहे हैं या LAMPL Z4 HC हाई क्वालिटी ये वाला यूज़ कर रहे हैं। इनसे ही क्या होता है, जब आप बिल्ड निकालते हैं तो अगर डिफ़ॉल्ट रखते हैं तो जो नॉर्मल डिफ़ॉल्ट इनका है वो यूज़ होता है, नहीं तो अगर इन दोनों में से सेलेक्ट करते हैं तो वो कंप्रेशन यूज़ होता है। उससे क्या होता है, आपका बिल्ड का साइज़ जो होता है फाइनल फाइल का वो छोटा हो जाता है, अगर इससे आपको फ़ायदा होता है कहीं पे भी सेंड करने के लिए। अब देखो, अगर यहाँ पे सीन बिल्ड में, यानी कि आप यहाँ पे डिसाइड करते हैं इस विंडो में कि आपको कौन से वाली कितने सीन्स को, यानी जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था यूनिटी क्या करता है, हर चीज़ को आपको कोई भी गेम बनाने हैं गेम को क्या करता है, डिफरेंट सीन्स में डिवाइड कर देता है। अभी जैसे मैंने एक ही सीन है तो यहाँ मैंने ऐड ओपन सीन कर दिया क्योंकि मेरे पूरे प्रोजेक्ट में अभी एक ही सीन है, और जो कि ऐड ओपन सीन है यानी कि जो खुला हुआ है। अगर मैं यहाँ पर जाके एक नया सीन क्रिएट करता, सपोज़ मैं यहाँ पर जाता और यहाँ पर जाके कंट्रोल एन से दबाने से एक न्यू सीन हो जाता है, ये सेव मांगेगा, एक मेरा नया सीन खुल गया। अब मैं Ctrl+S दबाऊंगा तो ये मेरा सीन दोबारा मुझसे मांगेगा, तो मैं इसमें कुछ भी नाम डाल देता हूँ, सेव कर देता हूँ, तो ये सीन अब मेरा खुल गया। अब मुझे अगर ये डायरेक्ट
बिल्ड सेटिंग्स में इस सीन को भी डालना है, तो ये डल गया। अब देखेंगे इनके आगे 01 लगाया, यानी कि अगर जब भी मेरा गेम चलेगा तो सबसे पहले मेरा सीन ये चलेगा 0 नंबर 1 वाला, फिर दूसरे बाद में उसके बाद क्या चलेगा 1 वाला, मतलब कि यहाँ मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि सीक्वेंस ऑर्डर क्या होना चाहिए। और फिर इनके में भी मेरे को बताना पड़ता है 0 वाले सीन के बाद कि 1 वाला सीन कब चलेगा, वो मुझे सारे स्क्रिप्टिंग के थ्रू या आप किसी न किसी तरीके से आप कंट्रोल करते हो कि सबसे पहले कौन सा सीन चलेगा उसके बाद। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट अगर जो 0 नंबर का सीन होता है वो तो चलता ही है, चलता अगर आप बताते नहीं हैं तुम। ओके फ्रेंड्स, ये तो हो गया। इससे हम क्या कर सकते हैं, ऐसे कितने सारे भी सीन्स डाल सकते हैं यूनिटी में। ये तो आपकी हो गई बिल्ड सेटिंग्स विंडो। अब इसमें यहाँ ऑप्शन होता है प्लेयर सेटिंग्स, अगर यहाँ आप चेंज करते हैं तो यहाँ पे आपके जैसे दूसरा कुछ सिलेक्ट करते हैं तो आपके उसके पास ऑप्शन आ जाता है। एंड्रॉयड में क्या आ जाते हैं आपके पास ऑप्शंस एंड्रॉयड के लिए, अगर जब तक आप ये क्लिक नहीं करेंगे ना स्विच प्लेटफॉर्म, तो जिस पे अगर ये आइकन होगा ना यूनिटी का, ये जो आइकन जिस पे है वही प्लेटफॉर्म अभी सिलेक्टेड है। अगर आप स्विच प्लेटफॉर्म नहीं करेंगे तो बिल्ड क्या होगा इसी के लिए निकलेगा, भले ही आपने यहाँ पर कुछ भी सिलेक्ट कर रखा हो, जिस पे ये आइकन है वही उसी का ही बिल्ड निकल पाएगा आपसे, ठीक है। और बिल्ड भी किसका निकल सकता है, जो प्लेटफॉर्म्स आपने उस समय इंस्टॉल करे थे, जब आपने इंस्टॉल करते समय सिलेक्ट करते, जैसे मैंने iOS का मॉड्यूल ही सिलेक्ट नहीं किया तो यहाँ पे मेरे पास डाउनलोड वाला पेज आ रहा है। इससे मुझे ये पता चल जाता है कि मेरा ये मॉड्यूल यानी कि इसके जो APIs हैं DLLs हैं वो सारी इंस्टॉल नहीं है, तो मैं इसके लिए बिल्ड निकाल नहीं सकता जब तक मैं इंस्टॉल नहीं कर सकता। जैसे मेरे PC और मैक एंड्रॉयड का सपोर्ट है तो वो आ गया। अभी टेक्सचर कंप्रेशन क्या होता है, आप अगर आप मेरी शेडर ट्यूटोरियल सीरीज़ में देख रहे होंगे तो उसमें मैंने आपको बताया है टेक्सचर क्या होता है, तो ये वही जो PNG JPG इमेजेस होती हैं उन्हीं के लिए कंप्रेशन यूज़ होता है, उसके लिए है E2C2 फॉल बैक, ये कुछ है यानी कि आपका फॉल बैक जो होगा टेक्सचर का उसका क्या होगा, 32 बिट होना चाहिए या 62 बिट होना चाहिए। बिल्ड सिस्टम जैसे कि अगर एंड्रॉइड स्टूडियो में क्या होता है ग्रेडल के थ्रू बिल्ड निकालना है या इंटरनल, अगर कुछ इनका बता रखा है। एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट यानी कि इसको पूरे प्रोजेक्ट को बनाना है, बिल्ड ऐप बंडल बना के भेजना है या डेवलपमेंट बिल्ड कराना है। SDKs फॉर ऐप स्टोर, यहाँ पे इसमें क्या है Xiaomi का पहले से इन्होंने दे रखा है, वैसे ही जैसे उसमें कंप्रेशन मेथड था वैसे ही इसमें भी कंप्रेशन मेथड है। ओके फ्रेंड्स, ये तो हमारी हो गई बिल्ड सेटिंग्स। हाँ, अगली वीडियो में मैं आपको अच्छे से बताऊँगा कि प्लेयर सेटिंग्स क्या होती हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, यो।